सावरकर को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान का निषेध किया गया। शहर भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शंकर नगर चौक पर राहुल गांधी का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने कहा कि राहुल गांधी ने सावरकर का अपमान किया है, वे बार बार निराधार व अपमानजनक वक्तव्य दे रहे हैं। भाजपा के शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके व भाजयुमो के शहर अध्यक्ष पारेंद्र पटले के मार्गदर्शन में सचिन करारे ने निषेध प्रदर्शन का नेतृत्व किया। शिवानी दानी, रितेश राहटे, नीलेश राउत, पंकज सोनका, कमलेश पांडे, पुष्का पोष्टीवार, ईशान जैन, उदय मिश्रा, संदीपन शुक्ला, आशीष तिवारी, स्वप्निल खड़गी, रोहित फूलसंगे, दीपेश यादव, वरुण कजबीये, अनिकेत ढोले, अजय मेश्राम सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद थे। वक्तव्य किया है कि सावरकर जी से रिलेटेड वो वक्तव्य था कि उनका भी अंग्रेजों के साथ संबंध हुआ करते थे। जिस व्यक्ति को इतिहास नहीं पता, जिसने भारत का इतिहास ठीक से पढ़ा नहीं है, मूलतः उसको भारत के इतिहास पर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। और स्वतंत्र वीर सावरकर जी के बारे में यदि हम कुछ नहीं जानते तो उनके खिलाफ बोलना ही हमारे देश में फैशन हो चुका है। हम राहुल गांधी इनका बहुत कड़ी शब्दों में यहाँ पर निषेध व्यक्त करते हैं। आज हमने उनके प्रति यहाँ पर आंदोलन किया है, सावरकर जी के स्टैचू के नीचे, पुतले के नीचे यहाँ पर हमने उनका आंदोलन किया है। आज हम उनका कड़ी शब्दों में यहाँ पर विरोध करते हैं और राहुल गांधी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उसकी जिम्मेदारी युवा मोर्चा ने ले ली है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, बीसीएन न्यूज, नागपुर।